आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की धारूहेड़ा ब्रांच में 5 करोड़ के घोटाले की परतें खुलने पर अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने अलग अलग 5 केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घोटाला लोन लेने की आड़ में हुआ है तथा SBI की शाखा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बैंक शाखा की तरफ से वर्ष 2009 से 2012 के बीच 213 लोन फर्जी कागजातों के आधार पर पास किए गए। इस मामले में बड़ी बात यह रही कि ये सभी लोन राजस्थान एरिया में तिजारा तहसील के अधीन आने वाले गांव के लोगों ने लिए थे। जैसे ही यह मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो बैंक के वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब कहीं जाकर 29 लोगों पर FIR के आदेश जारी हुए। 5 लोगों के खिलाफ नहीं किया बल्कि 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं धारवाड़ा थाने के अंदर। तो इसके अंदर जो अभी तक मेरे संज्ञान के अंदर आया है कि जो सरोज कुमार मैनेजर है SBI धारवाड़ा का, उसने कुछ व्यक्तियों के ऊपर कंप्लेंट की थी माननीय कोर्ट के अंदर कि भी इन्होंने फर्जी कागजात तैयार करके और बैंक से लोन लिया है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे जमाबंदी के जो दिखाई गई थी जिसके ऊपर लोन लिया गया था, वह वास्तव में वहाँ पर वो जमीन नहीं मिली और ये डिफाल्टर हो गए थे। जब इनके ऊपर रिकवरी शूट डाला गया तो उसमें दर्शाया कि इनके द्वारा जो जमाबंदी तैयार की गई है, जो दी गई है, वो फर्जी है। तो इस संबंध में यानी कोर्ट की तरफ से हमें ये आदेश प्राप्त हुए जिस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया भिन्न भिन्न लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का और उस पर अनुसंधान किया जा रहा। कुल कितने करोड़ का ये धोखाधड़ी मानी जा रही है? अभी तक जो आए अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से किसी ने 5 लाख का, किसी ने 7 लाख का, इस प्रकार से अभी तक पूरी राशि का मुझे अनुमानित मूल्य नहीं। बैंक की तरफ से बात आई है कुल 4.92 करोड़ समथिंग का है ये। अभी ये सब तफ्तीश का विषय है तो इसके दौरान जैसे भी तफ्तीश के दौरान जो कार्रवाई होगी उन सब की आपको जानकारी दी जाएगी। इस मामले में SBI के तत्कालीन कर्मचारियों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता तथा गाज गिरनी उन पर भी तय मानी जा रही है। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में 5 केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, मगर अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में कौन लोग दोषी हैं और उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा टुडे के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।